यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वक्त बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार चंडीगढ़ आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद चंडीगढ़ आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और साथ ही रामनाथ कोविंद के साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद भी उनके साथ में मौजूद रहेंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि इस दौरान राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पंजाब राजभवन को सजाया भी जा रहा है, और साथ ही पंजाब राजभवन में ही रुकेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 28 फरवरी को DAV कॉलेज में गोल्डन जुबली समारोह में शिरकत कर सकते हैं। हरियाणा पंजाब के CM और राज्यपाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, और साथ ही आपको बता दें कि चंडीगढ़ में पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद आ रहे हैं, और ज्यादा जानकारी लेंगे कुमार रमेश, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुमार रमेश, ज्यादा जानकारी खबर पर। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज शाम को चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, और दस्तक उनके रहने का जो इंतजाम है वो पंजाब के राजभवन में किया गया, क्योंकि चंडीगढ़ में आने का मोटिव उनका जो है DAV एक कॉलेज के अंदर एक कार्यक्रम है, उसमें बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने। रामनाथ कोविंद के साथ उनकी धर्मपत्नी भी आ रही है, और जो इसकी तैयारियां हैं वो प्रशासन ने पूरी कर ली है, क्योंकि चंडीगढ़ के जो प्रशासक है वो पंजाब के गवर्नर BP बदनौर है, इसीलिए जो है BP बदनौर के आवास में उनके रहने का इंतजाम किया गया है, और बाकायदा भवन को पूरी तरह सजाया गया है। और ये जो उस रोड को जाने वाला जितना भी ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया है, ताकि उधर से ट्रैफिक की सामने कोई व्यवस्था ना हो। इसके अलावा शहर में जो पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है, और आप समझ सकते हैं कि पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद वो आ रहे हैं चंडीगढ़। इससे पूर्व में जब वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे तब आए थे, उन्होंने हरियाणा के विधायकों से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से मीटिंग की थी, फिर बाद में उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री से मीटिंग की, तो अब उस बार राष्ट्रपति बनने के बाद आ रहे हैं। भले एक कार्यक्रम निजी हो, उनका निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहा हूँ, लेकिन इस बात से काफी लोग खुश है कि राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद की पहली चंडीगढ़ यात्रा जी। कुमार रमेश, साथ ही कितने बजे तक चंडीगढ़ पहुंचेंगे राष्ट्रपति? ठीक है, लगभग 5 बजे का समय है बताया जा रहा है, जो 5 बजे तक वो आएंगे, और 5 बजे के बाद वो एयरपोर्ट से यहाँ पर जो राजभवन है वहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद वो BP बदनौर से मुलाकात करेंगे, साथ में एडवाइजर बदनौर के उनसे भी मिलेंगे, तो उनका पूरा एक शेड्यूल कार्यक्रम है, और उसके बाद वो रहेंगे रात को, फिर अगले दिन का कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर के अगर उसको देखा जा रहा है तो 2 दिन की उनकी चंडीगढ़ यात्रा है जी। कुमार रमेश, इसके अलावा DAV कॉलेज की सिल्वर जुबली पर क्या वो इसमें जाएंगे, या फिर अभी महज इसकी जो है आकलन किया जा रहा है कि वहाँ जा सकते हैं? देखिए, उसी कार्यक्रम के लिए आए हैं तो वहाँ पे उनको जाना है, और बेसिकली उसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनका शेड्यूल है, वहाँ पर वो कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसके बाद जो है फिर वो यहाँ से रवाना जी। चलिए, बहुत शुक्रिया कुमार रमेश तमाम जानकारी के लिए। तो चंडीगढ़ में राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद आ रहे हैं, और साथ ही साथ में उनकी पत्नी भी इस दौरान चंडीगढ़ में आ रही हैं, और साथ ही राष्ट्रपति के स्वागत के लिए राजभवन को पूरी तरह से सजाया जा रहा है, साथ ही इस दौरान हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे।